उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता रागिनी नायक ने कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री को राफेल को लेकर घेरा। रागिनी नायक ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, पर यहाँ तो दाढ़ी में पूरा का पूरा राफेल फंसा हुआ है, शायद इसलिए दाढ़ी इतनी लंबी बढ़ाई जा रही थी। इसका जवाब भाजपा ने कुछ इस अंदाज में दिया है। हमारे देश में तो इस दाढ़ी में पूरा का पूरा राफेल जहाज फंसा हुआ है, और शायद इसीलिए ये दाढ़ी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी कि राफेल का घोटाला कहीं ना कहीं उसके पीछे छुपा लिया जाए। देखो, कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्ष तक इस देश के अंदर भ्रष्टाचार का जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो सबके सम्मुख है। उनके वरिष्ठ नेताओं से लेकर उनके प्रधानमंत्री तक जो है, तो उनको भी देश के अंदर सजा हुई है, उनके पूर्व मुख्यमंत्री को सजा हुई है। 100-100 चूहे खा के अगर बिल्ली हज को जाती है तो मुझे लगता है कि ये बड़ा हास्यास्पद प्रश्न है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।